हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। गाइस देखिए, जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अभी जो जो स्टूडेंट जो एयरफोर्स में अभी क्लियर नहीं कर पाए, इस बार का जो स्टार टू था, ये जैसा आपको पता है कि अब हर वर्ष जो है दो बार आपको एयरफोर्स वैकेंसी देगा, ठीक है। जैसे कि एनडीए का एनडीए वन और एनडीए टू आता था, उसी तरीके से एयरफोर्स का स्टार वन और स्टार टू आएगा, ठीक है। एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई की बात करें तो अभी आपको जिसका भी क्लियर नहीं हो पाया, फेज़ टू में रिजल्ट बहुत कम आया, ठीक है। तो एक बात के लिए रेडी रहना कि स्टार्ट वन जो आने वाला है 2019 का, ठीक है, तो इसमें जो है रिजल्ट काफ़ी देगा, क्योंकि इस बार देखो जैसे कि स्टार वन में रिजल्ट ज़्यादा देता था और टू में कम दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा स्टार वन को ज़्यादा फोकस करना, मैं जहाँ तक आपको बोलूँगा कि स्टार वन को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। तो चलिए स्टार वन के प्रिपरेशन हम आज से करेंगे और स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जैसे कि आपको ये जो सामने इंटरफेस दिख रहा होगा, एक पिक दिख रहा होगा जिसमें कि ऑनलाइन स्टडी विथ ए टू जेड स्टडी लिखा हुआ है और डेली टेस्ट फ्री पीडीएफ लिखा हुआ है, तो इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन ये जो न्यू बैच हमारे स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है महासंग्राम, ठीक है, तो इस बैच में प्रिपरेशन कम्बाइंड बैच होगा जिसमें कि आपको SSC एयरफोर्स और नेवी NDA की प्रिपरेशन तो आपको मेनली कराई जाएगी, साथ में GKGS इस तरीके से पढ़ाया जाएगा जो कि रेलवे में भी काम आएगा, ठीक है। और NDA में इस बार का बहुत सारे कैंडिडेट का प्रॉब्लम ये था कि हमारा जो है GKGS बहुत वीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इसमें आपको GKGS की ये जो डेली टेस्ट है आपको GKGS के लिए और इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो GKGS के जितने वीडियोस होंगे उसके लास्ट में आपको ये 100% एक टेस्ट होगा, ठीक है, और उसका पूरा का पूरा PDF जो होगा GK का टेस्ट के साथ आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, जिसका आपको PDF तो मिल जाएगा और टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो इस बार जो होना चाहिए स्टार वन, अधिक से अधिक कैंडिडेट का हमारे चैनल से रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक कि NDA की बात करें तो NDA का भी हमारा प्रिपरेशन आपको स्टार्ट होगा, ठीक है। और बात करिए कौन कौन से चैप्टर में पढ़ा, कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा दूंगा, आपको बात बोल रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, ना। तो देखिए, इसमें आपको जहाँ तक कि मैथ की मैं प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ तो आपको नॉन टेक 10th लेवल तक की बात करें तो ये बिल्कुल भी नहीं पता है, जैसे परसेंटेज, एवरेज, रेशियो वगैरह वगैरह जो चीज़ हैं चैप्टर, ठीक है, नंबर सिस्टम, ये सारी ट्रिक बेस्ड होंगे, जो शॉर्ट कट ट्रिक में आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ग्रुप वाई में प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, तो ये 10th लेवल तक की जो मैथ है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल SSC में भी आती है, जो 10th लेवल तक आती है ना, कहने के लिए जो अर्थमेटिक और रही एडवांस की मैथ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट सबकी बनाते जाऊंगा और आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और बात करें इसमें हम, तो आपको मैं GK पढ़ा दूंगा, ठीक है, GK की बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी, GK की टेंशन मत लेना। NDA में इस बार बहुत अच्छा जाएगा, और स्टार वन की तो बात मत करो, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी जाएगी, और नेवी में आती है GK, वो भी बहुत अच्छी है। और इसके बाद SSC और रेलवे को भी हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि SSC का इंग्लिश और GK मैथ ही तो प्रिपरेशन आपका हो गया। मतलब कि SSC के अगर आप इंग्लिश अच्छा से पढ़ लेते हो तो फिर आपको एयरफोर्स और NDA में बिल्कुल नहीं फंसेगी, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। इस बार क्योंकि NDA का जो फर्स्ट का नहीं, NDA सेकेंड का जो इस बार आया था क्वेश्चन था, पूरी की पूरी मैं बोलूँ तो आपको SSC बेस्ट थी, ठीक है। तो SSC जो कैंडिडेट प्रिपरेशन करके गए होंगे थोड़े बहुत, उनका तो NDA का बहुत अच्छा गया था। मेरे सर्कल में एक स्टूडेंट का था जो कि SSC प्रिपरेशन वाला था, ठीक है, स्टार्टिंग से उसने क्या कहता है SSC प्रिपरेशन किया, इस बार NDA फर्स्ट उसका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, और जहाँ तक मुझे होप है कि उसे क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता चल गया, ये जो बैच है न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग पूछ रहे हो कब से है, तो ये कब से नहीं है, बैच आज से स्टार्ट हो जाएगी। आज मैं आपको मैथ का जस्ट आपको कुछ देर के बाद आपको मैथ, मैंने GK का एक वीडियो प्रोवाइड किया है, इसका आपको मैथ का से मिलेगा, ठीक है, और डेली आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलेगा, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ एयरफोर्स स्टार वन में, उन्हें थोड़ा सा भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, और डिप्रेशन में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बार स्टार वन की अगर आप 100% मुझे देते हो तो 100% रिजल्ट आने की आपकी क्या है संभावना है, ठीक है, और इसकी गारंटी भी है। अगर आप 100% फॉलो करते हो तो 100% रिजल्ट होगा इस बार, और ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत और हमारे मेहनत के ऊपर, तो आप कितना फॉलो करते हो उस पर डिपेंड करते हैं। और है इसकी भी, और आपको जो इम्पोर्टेंट बात है, देखिए हमने जितना भी क्लास कराना है, और जो लोग स्टूडेंट्स जो हैं नोट्स बनाएंगे उसका, ठीक है, मैं मैथ और GK की बात करूँ या फिर कोई भी हर एक सब्जेक्ट की नोट्स की बात करूँ, फिर मैं आपको नोट्स मांगूंगा कुछ स्टूडेंट से,
और जिनका भी नोट्स कंप्लीट रहेगा, जितना मैंने पढ़ाया हुआ रहेगा आपको, और जिनके पास नोट्स रहेंगे कंप्लीट, मैं कुछ महीने के बाद, एक दो मंथ के बाद आपको अपने नोट्स मांगूंगा। और जिनके पास नोट्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो फीस नहीं दे रहे हो, टेंशन नहीं होगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स नहीं भी बनाते हैं। लेकिन जिनका भी नोट्स मैंने जितना ही पढ़ाया हुआ रहेगा उनका बनाया हुआ अगर रहेगा, वो लोग कंप्लीट करते जाएंगे, तो उनके जो ए टू जेड स्टडी की तरफ से उन्हें प्राइज़ भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर होना है आपको। और चलिए हम देखते हैं कि नोट्स कितने कैंडिडेट बनाएंगे और प्राइस जो होगा ए टू जेड का जो होगा उनको जो टी शर्ट मिलेगा ए टू जेड स्टडी की तरफ से। लेकिन अब अभी नहीं लिखा, कब, जब आपका नोट्स कंप्लीट होगा तब, सबको नहीं मिलेगा, जिसका भी नोट्स कंप्लीट रहेगा तब, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन भी क्या करूँगा, इशू करूँगा कब, जब एक दो मंथ पढ़ाई हो जाएगा हमारे इस बैच का तब, या फिर एयरफोर्स स्टार वन का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं आपको नोट्स चेक करूँगा। और जो जिनका भी नोट्स मेरे को मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग मेरे को टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप कर देना, उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। और जिसका भी नोट्स रहेगा मैं आपको कुरियर कर दूंगा यहां से आपको ए टू जेड स्टडी का टी शर्ट, ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स। और ये जो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका भी इस बार रिजल्ट नहीं हुआ है, उसे बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ नहीं है, बस इसे अच्छे तरीके से फॉलो करो और इसे जितना हो सके शेयर करो, ठीक है, और लाइक जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। कमेंट करके बताना कि आपको जो है इन सब में से आप किस पे ज़्यादा फॉलो करने वाले हो, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या फिर रेलवे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।